हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेसेस और इसके जनरल कैरेक्टर और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में आए तो कोशिश कीजिएगा इसके टॉपिक को ना लिखें, लॉन्ग में वही टॉपिक लिखिएगा जिसमें डायग्राम मतलब जिसमें डायग्राम हो। तो क्या होता है फेसेस? फर्स्ट, फेसेस आर द वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू गैनेस्थो स्टोमाटा ग्रुप विच हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जो फेसेस जो होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब इनके क्या होते हैं, इनके स्केलेटन मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वर्टिब्रेट उन्हें कहा जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फेसेस आर द वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू गैनेस्थोमाटा ग्रुप, ये कौन से ग्रुप में आता है? तो गैनेस्थोमाटा ग्रुप में इनको रखा गया है। विच हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं तो क्या क्या है? दे आर एक्वाटिक एनिमल फाउंड बोथ इन फ्रेश एंड मैरीन। ये क्या होता है, ये एक्वाटिक एनिमल है मतलब ये पानी में रहने वाला जानवर है। और क्या है ये, मतलब ये फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में भी रहता है और मैरीन मतलब खारे पानी में भी ये रहता है। बोथ इन स्ट्रीम लाइन विच हेल्प इन स्विमिंग, इसके बॉडी में स्ट्रीम लाइन पाया जाता है जो हेल्प करता है स्विमिंग करने में। दे बी एस डॉर्सल मीडियन कॉर्डल फिन एंड पेक्टोरियल और पेल्विक फिन, इनके जो होते हैं इनके बॉडी पे डॉर्सल मीडियन कॉर्डल फिन और पेक्टोरियल और पेल्विक फिन पाए जाते हैं। जैसे आप फिश में देखेंगे ना, उनका टेल के सबसे लास्ट पार्ट कैसा होता है, वही उनके बॉडी के फर्स्ट तरफ मतलब जैसे मैं फिगर में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज ये फिश है, इनका जो है ये इनको कहते हैं डॉर्सल फिन, इसको पेक्टोरियल फिन कहते हैं और पेक्टोरियल फिन कहते हैं। और यहाँ पे पेक्टोरियल फिन पाया जाता है और यहाँ पे जो है वेंट्रल या फिर कॉडल फिन इस साइड में, इसको कॉडल फिन कहा जाता है। और ये बीच में जो एक पाया जाता है उसको पेक्टोरियल फिन कहा जाता है। और यहाँ जो सबसे लास्ट में जो फिन पाया जाता है उसको डॉर्सल फिन कहा जाता है। इसका जो टेल फिन फंक्शन एज ए नेविगेशन, इसका जो टेल फिन है ये फंक्शन करता है नेविगेशन की तरह, मतलब किसी भी डायरेक्शन को बताने में टेल इसका हेल्प करता है। जो लास्ट का जो डॉर्सल फिन है उसको टेल फिन भी बोल सकते हैं, वो हेल्प करता है नेविगेशन में मतलब डायरेक्शन बताने में। गिल्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड कवर्ड बाय अपर कुलम, इसमें लिखा गया अपर कुलम, इसमें अपर कुलम होगा OPERCULAM, सॉरी फॉर मिस्टेक। गिल्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सांस लेने में गिल्स इनका हेल्प करता है। और कवर्ड होता है अपर कुलम के द्वारा ये कवर्ड होता है। आईज कवर्ड बाई ए थीन मेम्ब्रेन कवरिंग हेल्प इन क्लियर एक्वाटिक विजन, आईज जो होता है वो बहुत ही पतला मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ रहता है जो हेल्प करता है एक्वाटिक मतलब होता है ना पानी में भी एकदम क्लियर दिखाई देने में, ये जो पतला झिल्ली जो रहता है वो हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पाचन तंत्र जो है वो एकदम वेल डेवलप्ड होता है। एयर ब्लैडर फाउंड विच हेल्प टू स्टोर एयर, इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है उसके क्या था वो हेल्प करता है एयर को स्टोर रखने में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फाउंड, इनकी जो फेसेस जो है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मतलब होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फिशेस के मतलब फीमेल फिशेस के अंदर भी होती है या फिर मतलब पानी में होता है। मोस्ट ऑफ द फिशेस आर ओविपोरस, ज़्यादातर फिशेस क्या होते हैं ओविपोरस होते हैं मतलब एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये लोग। ज़्यादातर फिशेस जो होते हैं एग लेइंग होते हैं मतलब वो अंडे से उनके बच्चे होते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप, इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। एक्सक्रीशन बाय प्रोनेफ्रिक किडनी, इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोनेफ्रिक किडनी की तरह मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का किडनी होता है प्रोनेफ्रिक और सिंपलेस्ट टाइप का। क्लासिफिकेशन, सुपर क्लास फिशेस क्लासिफाई इनटू टू सब क्लासेस, फिशेस को दो सब क्लास में बांटा गया। फर्स्ट कैंड्रियोकाइथस जिसको इलास्मो ब्रांची भी कहते हैं और दूसरा ऑस्टियोसाइकस जिसको टेलोस्टी भी कहा जाता है। फर्स्ट कॉन्ड्रियोसाइथस जिसको कार्टिलेजनस फिशेस इसके अंतर्गत आता है। दे आर मैरीन फिशेस एंडोस्केलेटन मेड अप कार्टिलेज, ये जो है ये मैरीन फिशेस होते हैं मतलब कॉन्ड्रियोसाइथस जो होता है ये समुद्र में रहने वाला फिश है और इसका ये क्या होता है तो ये कार्टिलेज का ये बना होता है। नोटोकोड फाउंड ड्यूरिंग द कम्प्लीट लाइफ पीरियड, इनका क्या होता है नोटोकोड पाए जाते हैं पूरे लाइफ साइकिल में इनका मतलब पूरे लाइफ पीरियड में आप इसके नोटोकोड देखे जा सकते हैं। नोटोकोड का मतलब होता है कार्टिलेजनस स्केलेटन रॉड होता है जो क्या कहता है वो सपोर्ट करता है बॉडी को, एक तरह का रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल पैलाकॉइड स्केल, बॉडी क्या होता है कवर्ड होता है स्मॉल पैलाकॉइड स्केल के द्वारा। एयर ब्लडेड एब्सेंट इन दम, इसमें एयर ब्लडेड नहीं पाया जाता है। फिन अपेंडेजेस फाउंड, इसमें फिन पाए जाते हैं, फिन अपेंडेजेस जो मतलब होते हैं इनके डॉर्सल वेंट्रल पेक्टोरल ये सब फिन इन पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्केलेटन टॉर्पीडो, इसमें आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं स्केलेटन टॉर्पीडो का। उसके बाद ऑर्डर, इनका एक ऑर्डर होता है, इनके ऑर्डर क्या क्या है तो पैलियोट्रिमाटा, फर्स्ट
बॉडी स्पिंडल सेम, इनका बॉडी जो होगा लीफ लाइक होता है। स्पिंडल का मतलब होता है इनका बॉडी लीफ की तरह होता है, लीफ के स्ट्रक्चर जैसे होता है ना इसी तरह इनका बॉडी होता है। गिल स्लेट लेटरल 5 to 7 इन पेयर एग्जाम्पल स्क्लेडन, इनका गिल स्लेट पाया जाता है कितने, तो 5 to 7 पेयर में इनके पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो स्क्लेडन। सेकेंड का ऑर्डर है हाइपोट्रिमाटा, बॉडी डिप्रेस्ड, इसका बॉडी क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा। 5 pair ऑफ गिल वेंट्रल स्लेट फाउंड, इसमें क्या होता है 5 pair में गिल्स पाए जाते हैं, वो सब किस साइड, तो वेंट्रल के साइड पाए जाते हैं। वेंट्रल मतलब इधर आगे तरफ, मतलब हेड जिधर होगा उसके साइड 5 pair गिल्स पाए जाते हैं। डोर्सो वेंट्री फ्लैंटिया, इसके क्या होता है डोर्सो वेंट्री फ्लैंटिया होते हैं, एग्जाम्पल टॉर्पीडो होता है इसका। सेकेंड सब क्लास क्या है, तो ऑस्थियोथायस, इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, तो बॉनी फिश। दे आर फाउंड बोथ इन मैरिन एंड फ्रेश वाटर, जो बॉनी फिश होते हैं ऑस्थियोथायस जो होते हैं ये मैरिन में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बॉडी कवर्ड बाय साइक्लोड स्केल, इनका बॉडी क्या होता है साइक्लोड स्केल का, साइक्लोड स्केल से कवर होता है, लेकिन इसके जो फर्स्ट ये सब क्लास तक कॉन्टियोथायसिस वो पैलाकोइड स्केल का घिरा हुआ होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस यही है, वो प्लाकोइड होते हैं, ये साइक्लोड स्केल से इसका बॉडी कवर्ड होता है। माउथ सराउंडेड बाय जॉ, इनका माउथ क्या होगा जॉ के द्वारा ये सराउंडेड होता है, एग्जांपल इसका लोवियो काटला हिल्सा इलिशा। इट हैव मेनली ऑर्डर्स देम सम इज फॉलो, इनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्रॉस पैट्रियोगिल, 3 lobed कॉडल फिन, इसमें क्या होता है 3 lobed कॉडल फिन पाया जाता है। प्रीमैक्सिली एंड मैक्सिलिया आर प्रेजेंट, इसमें 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं, जैसे प्रीमैक्सिली और मैक्सिलिया इनमें पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर सिस्टाइज, इसमें एयर ब्लैडर क्या होते हैं सिस्टनाइज होते हैं, एग्जांपल लैट्रियोमेरिया। सेकेंड ऑर्डर डिप्नोई, इनका सेकेंड ऑर्डर डिप्नोई होता है। लंग्स फाउंड फॉर रेस्पिरेशन, डिप्नोई में लंग्स पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। इंटरनल हेयर फाउंड बट स्पाइकल एस्पन, इसमें इंटरनल हेयर पाए जाते हैं लेकिन स्पाइकल इसमें पाए नहीं जाते हैं, एग्जाम्पल नियोकार्टोडस। थर्ड ऑर्डर पॉलिट पेट्रोफॉर्म्स, इसमें क्या होता है, तो डॉर्सल फिन बीएस फॉर्मर फिंग, इसमें क्या होता है डॉर्सल फिन पाया जाता है, जैसे फॉर्मर फिंग पाया जाता है। स्केलेटन इज एसाइड, इसके स्केलेटन जो होते हैं वो एसाइड होते हैं, एग्जांपल के लिए पॉलीपेट्रस।